चलिए आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी के 7 चक्रास के बारे में। ये जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं ना, हमारा जो पूरा बॉडी है सब कुछ इन 7 चक्रास के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। हमारी पूरी बॉडी की इन 7 चक्रास के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। पूरा आप कह सकते हैं कि हम एक व्हाइट कलर की हम एनर्जी, एक आत्मा और हमारी एक बॉडी की 7 लेयर्स, जैसे इंद्रधनुष के रंग, सबसे पहले रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड मोव कलर, पिंकिश जो होता है। इस तरीके से जैसे हमारी पूरी 7 चक्रास होते हैं, 7 7 रंग जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर 7 हमारी लेयर्स होती हैं, 7 बॉडीज भी हम उनको बोल सकते हैं, जो कि हमारे को दिखाई नहीं देता, हमारा सूक्ष्म शरीर। जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र, रूट चक्र का रंग क्या होता है? रूट चक्र का रंग होता है हमारा मूलाधार चक्र। इसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी शक्ति का केंद्र होता है। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है और इसका जो बीज मंत्रा है वो होता है लम लम। ये इसका बीज मंत्रा होता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर। ये वाटर एलिमेंट होता है, ये हमें बहुत ग्राउंडेड करता है। अगर हमारा ये इस चक्रा में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता है। लाइफ में जो होते हैं ना, सक्सेस रुक जाती है। जो हम छोटी छोटी चीजों के लिए सर्वाइव करते हैं ना, जो मतलब छोटी छोटी चीजें जो हमें जीवन को जीने के लिए चाहिए होती हैं, हर जगह पे हमारी रुकावटें, ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो, मानसिक असंतुलन भी हमें होता है अगर हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो। डिप्रेशन में हम आ जाते हैं अगर ये चक्रा आपका ब्लॉक हो जाए। अगर यही चक्रा आपका एक्टिवेट होता है तो आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। ज्यादातर हम स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो ये चक्रा है, अगर उनका ये चक्रा एक्टिवेट है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो उसमें अच्छे स्कोर्स एग्जाम में अचीव कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है। कई बार आप देखेंगे कि हमारे हिंदी मंत्रास के अनुसार हम यहाँ पर गणेश जी के मंत्रों का, अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप कभी हम जाते हैं मंदिरों में तो आप बोले ना, ओम गण गणपति नमः, आप इसके 108 माला करें, ऐसा हमें पंडित लोग बोलते हैं। तो इसीलिए ताकि हमारा रूट चक्रा एक्टिवेट हो, मूलाधार चक्रा। अगर ये चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, आपका पढ़ाई, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उनका मन भटकेगा। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से इस चक्रा को हम एक्टिवेट करते हैं। और जैसे एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान आपके जीवन में हो, उसके लिए आपका ये चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपको रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा इगोइस्ट पर्सनैलिटी है, तो उससे क्या होगा, आपके जो भी आपके सबसे ज्यादा आपके पैरों में इफेक्ट पड़ेगा, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, पैरों की पिंडलियों में दर्द होगा। ये सब चीजें जो होती हैं वो आपके रूट चक्र से आते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर एंगर इश्यू है या आप इगोइस पर्सन है। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, देखो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तभी हमको गुस्सा भी आता है, तब हमारी चीजें हमारे हाथ से निकलती है, हम उनको संभाल नहीं पाते तो हमें गुस्सा आता है। तो हमारे, और जब हमें गुस्सा आता है
और सामने वाले, हमारे अंदर एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, क्योंकि जब हमारा ये चक्रा ब्लॉक होता है तो रोटी कपड़ा मकान इसके भी हमारे को बहुत मेहनत करके संघर्ष कर हमको उस मुकाम को हासिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है, फियरफुल लाइफ हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और कई बार हम क्या होता है परेशान होके जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी जो बात आती है वो होती है ना कुछ भी चीजों का डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बहुत खाना खाते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलता, वो जब खाना खाते तो उनको उसमें बड़ा सुकून मिलता है। कई लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, कई लोग स्मोक पीना शुरू हो जाते हैं, तो वो सब एक डिप्रेशन का ही रूप है और वो हमारे इस चक्रा से आता है। इस चक्रा को हम हील करते हैं, जब हम इस चक्रा को हील करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ब्लॉकेजेस निकलनी शुरू होती है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब चीजें इस चक्रा के ब्लॉक होने से होती है। बेसिक नीड की, हाँ, जो हमारी बेसिक नीड होता है वो हमें उस चीज में सर्वाइव करने में हमें मुश्किल होती है जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है। आप ये चीज उसमें लिख लीजिए कि रूट चक्रा का जो कलर होता है वो रेड होता है, इसका जो बीज मंत्र है वो है लम, और जो इसका एलिमेंट है वो है वाटर। पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें से ये एक तत्व है वाटर। जब भी किसी का रूट चक्रा ब्लॉक हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा हरी घास पे चलना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, धरती पे बैठ के, जमीन पे बैठ के अगर वो खाना खा सके तो बहुत अच्छा है। पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी की क्वांटिटी अपनी बढ़ाए, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट होता है तो इसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पानी की क्वांटिटी को बढ़ाए, और अगर उस पानी को वो हीलिंग वाटर के रूप में पीता है, जैसे कि उसको चार्ज करता है, जैसे कि आप उसमें अच्छी अपनी अच्छी गुड अफर्मेशंस डाल के उस पानी को पीते हो, अपनी पूरी फैमिली को वो पानी पिलाते हो, तो वो और भी अच्छा उसका इफेक्ट आता है। और इस जो चक्रा की लोकेशन होती है वो हमारा बिल्कुल जहां पर, मतलब नीचे की तरफ जो हमारा टेल बोन होता है वहां पे हमारे इस चक्रा की लोकेशन होती है। ठीक है।